अजीब साहब मौजूद है। सर कल नोली की इल्जाम आप पे लगा रही है कि आपने गाड़ी तोड़ दी पुलिस की, क्या वाकया क्या हुआ सर? गाड़ी पुलिस की तो नहीं थी, वो तो कोई अपना बगैर नंबर प्लेट के जो है वो काला वीगो था और उनको हमने आईन और कानून तोड़ने से रोका है, उनको तोहीन अदालत से रोका है। और अगर वो फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं कर रहे थे तो मैं तो उनको याद करा आ रहा था कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, अगर वो ये काम करेंगे तो हम वो ये जिम्मेदारी उनको बार बार जो है वो याद करवाएंगे। और तीन तीन बार अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की गई है, लिहाजा ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खान साहब की भी गिरफ्तारी की बातें की जा रही, कहा जा रहा है हाउस अरेस्ट करेंगे या गिरफ्तार कर लेंगे, आपका क्या रद्द अमल होगा? ये बातें जितनी मर्जी करते रहे, मुल्क ठीक करो भाई, लोगों को सस्ता आटा दो, लोगों को सस्ती बिजली दो, सस्ती गैस लोगों को दो, वो काम करो जिससे आवाम को फायदा हो, गिरफ्तारियों से आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। लास्ट में बस ये बता दें, इलेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये तो फिर नहीं करवाना चाह रहे? मुझे इलेक्शन भी नजर आ रहा है और इलेक्शन में इनकी बदतरीन शिकस्त भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे फारूक हबीब की जी।